मॉर्निंग सर, मेरा येस बैंक में 304 के एवरेज में 139 स्टॉक्स है। ओके, येस बैंक में 304 एवरेज करके 139 स्टॉक है, तो मैं अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, बेचूं या रखूं। पर तन्मय, आपके ये शेयर्स कहीं लॉक इन में तो नहीं है, क्योंकि काफी पहले की आपकी खरीद लगती है, तो शायद अभी भी इसमें लॉक इन पीरियड बरकरार रहेगा, आप इसे बेच नहीं सकेंगे शायद। अच्छा, तो मतलब अभी क्यों मैडम ऐसे लॉकिंग पीरियड होता है? एक्चुअली ये बैंक को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आई थी, जिसके चलते इसके जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स थे उनके जो शेयर्स थे वो लॉक इन पीरियड में रख दिए गए थे, और साथ ही कई सारे दिग्गज बैंक आए थे इस बैंक को की स्थिति सुधारने के लिए, जिसमें SBI, HDFC तमाम वो दिग्गज बैंकों के नाम शामिल थे। पर अविनाश जी, एक बार आपसे समझते हैं, देखिए इनके पोर्टफोलियो में तो शो करेगा ही कि 304 के बाइंग प्राइस पे 139 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, पर येस बैंक क्या आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं? क्या बैंकिंग स्थिति में सुधार के साथ येस बैंक क्या इनको कुछ रिटर्न्स दे पाएगा? देखिए सृष्टि, आई थिंक जिस प्रकार का कॉस्ट प्राइस इनकी येस बैंक में है, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ से रिकवरी बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मैं इनको यही कहूंगा कि येस बैंक से निकल जाए, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो वापस आना बहुत मुश्किल है। उसके विपरीत मुझे लग रहा है कि देखिए अगर ये येस बैंक से निकल के IDFC फर्स्ट बैंक में पैसा डालते हैं, जो करीबन 50-52 रुपया चल रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल में अच्छा पैसा बनेगा। कम से कम जो भी लॉस इन्होंने येस बैंक में किया है वो रिकवर ये कर सकते हैं और अच्छी खासी